हेलो एवरीवन, आज हम लोग 12th क्लास का सेकंड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा लेसन है जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बोर्ड के व्यू पॉइंट से यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कंपटीशन के व्यू से देखेंगे तब भी क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ से। और इसमें टॉपिक एक से एक टॉपिक आएंगे जो आपको पढ़ना होगा, और इसके हम नोट्स आपको लिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसको आप नोट करते चलिएगा। इसमें न्यूमेरिकल क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल को ही करने लगते हैं, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल आपके जो इजी होंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हैं जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट को आप नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। इसमें पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी मीनिंग समझेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, कैसे सेल का फॉर्मेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैथोड एनोड क्या होते हैं, कौन चार्ज ट्रांसफर करता है, कौन चार्ज को गेन करता है, कैसे सेल बनती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और समझ में ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, अगर समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और साथ में मैं पढ़ाता चल रहा हूँ तो आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा। और अब मैं आपको स्टार्ट करने चल रहा हूँ, पढ़ाने चल रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसकी मीनिंग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दैट इज इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट। और केमिस्ट्री मीनिंग हुई सम केमिकल रिएक्शन, उस क्या है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट से कुछ केमिकल रिएक्शन बने, और जब केमिकल रिएक्शन से कुछ क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट बने, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन से कुछ इलेक्ट्रिक करंट बनेंगे, ये दैट क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसमें क्या होता है जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद इसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हम लोग क्या पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है उसको निकालेंगे हम लोग, और ये भी टू टाइप्स में पढ़ेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे SRP इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कैसे निकालते हैं कैसे क्या होता है इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड्स तो आपको पता ही, इलेक्ट्रोड्स टू टाइप्स के होते हैं दैट इज कैथोड एंड एनोड। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये पढ़ेंगे, फिर इसी में आपका टॉपिक आ जाएगा आगे नट्स इक्वेशन
नेक्स्ट इक्वेशंस में क्या होता है, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें रिलेटेड, जो हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल में, ठीक। इसके बाद इसी में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर में ये सब पढ़ेंगे हम। आगे क्या होगा, हमारा सेकंड सेल जो आएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, यहां पे क्या था, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो केमिकल सेल का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे वाटर, एग्जाम्पल जैसे क्या है, यहाँ पे वाटर हमने दिया, वाटर है, तो वाटर पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास किया वाटर पे, तो ये किस में चेंज जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है, ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में को हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज वोल्टेइक सेल होता है, ठीक। और इसी को अदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, लाइक डेनियल सेल, जो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल दिया गया है, जो जिंक एंड कॉपर सेल से बनता है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फैराडे ला जाएगा आपका, फैराडे ला जो आपके पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट ला एंड सेकंड ला, फर्स्ट ला पढ़ेंगे एंड सेकंड ला पढ़ेंगे, फैराडे ला। फिर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इसी में टॉपिक आ जाएगा आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होगा, फिर कंडक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी हो गई, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ये सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, जो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, इसमें से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे आज, सारे टॉपिक तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लेक्चर होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने के पहले एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसी के एक्सपेरिमेंट के बाद से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे एक क्या लिया, कोई कंटेनर लिया, एक कोई कंटेनर ले लिया, इसमें एक रॉड लिया, क्या लगा लिया, एक रॉड लगाया, रॉड लगाया, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट लिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट।
एजिंग रॉड लगा दिया जिंक रॉड है, एक कंटेनर है, इसमें क्या लिया इलेक्ट्रोलाइट, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद वी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें कुछ रिएक्शंस होती है और इसमें कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। तो क्या देखेंगे इसमें चेंजेस, क्या देखेंगे हम लोग, बी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स, बी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद में इसमें कुछ चेंजेस देखे गए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या देखा गया, ये जो जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ये धीरे धीरे इसका जो ये वेट है ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से शेप में इसकी हो जाती है, पहले कैसे थी लगभग ऐसे थी, और यहाँ पे कुछ इसके वेट में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। जिंक रॉड का वेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। फिर क्या, जब ये जिंक रॉड का वेट रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट चेंजेस देखा गया, तो क्या होगा यहाँ पे, जिंक रॉड वेट रिड्यूस, ठीक। सेकेंड पॉइंट, सम रेड पीपीटी आर फॉर्म बिलो द रॉड, यहां पे क्या होता है कि कुछ रेड पीपीटी ये फॉर्म होते हैं, यहां पे रेड पीपीटी आर फॉर्म। नेक्स्ट चेंजेस क्या देखा गया, जो कलर ऑफ सोल्यूशन है ये कैसा है, ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर जो सोल्यूशन ये धीरे धीरे क्या होता है, चेंज हो जा रहा है और ये कलर फेड हो रहा है। द चेंज ऑफ कलर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे। फिर क्या देखा गया यहां पे, यहां पे एक थर्मामीटर लगाया गया यहां पे, तो थर्मामीटर क्या हुआ, टेम्परेचर कुछ क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज कर गया। इसमें जो टेम्परेचर, मतलब बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के पहले टेम्परेचर कुछ था और आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ और टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज किया इस एक्सपेरिमेंट में, तो टेम्परेचर राइज। ये सारे चेंजेस इसमें देखे गए एक्सपेरिमेंट में, क्या देखा गया कि जो जिंक रॉड है इसका वेट रिड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट रेड पीपीटी आर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कुछ ब्लू कलर सोल्यूशन फेड्स अवे हो रहे हैं एंड टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब क्या होगा, ये तो सारे ऑब्जर्वेशन थे, अब इसमें कुछ रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, इसमें ओवरऑल क्या हो रही है, सम रिएक्शंस आर प्रोसीड हो रही है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके रिएक्शंस देखेंगे, जो कुछ मैकेनिज्म देखेंगे इसमें, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म फर्स्ट, जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो यहां पे जिंक जो है जड़यन, ये क्या होता है, ब्रेक होके आयंस के फॉर्म में आता है, यहां पे जिंक सॉलिड फॉर्म में था, तो ये चेंज हो गया किसके, जड़यन 2+ फॉर्म में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो यहां पे क्या देखा गया कि दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक,
ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, सेकेंड केस में क्या देखा गया, जैसे ये कॉपर है, तो कॉपर अगर ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है तो Cu प्लस टू एंड SO4 माइनस टू के फॉर्म, यहाँ पे कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस क्या करेंगे, जिंक के आयंस को क्या करेंगे, गेन करेंगे और ये सेल्फ रिड्यूस होंगे, तो Cu प्लस टू था और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, कॉपर ये सॉलिड फॉर्म पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक, जिसका कलर कैसा है, यहाँ पे ये दिखाया गया रेड PPT, तो ये क्या है, रेड आर ब्राउन कलर, रेड आर ब्राउन कलर, रेड आर ब्राउन कलर। ठीक, तो ये यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, तो सेकंड क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर रिड्यूस हो जा रहा है जो रेड और ब्राउन कलर के फॉर्म में हो रहा है, पीपीटी तो बन रहा है। ठीक, इसके बाद अब यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के मीनिंग क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर बोथ कंप्लीट इन अ सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। फिर क्या है, और जो कैसा हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस की मीनिंग क्या होती है कि जो सेल्फ अपने आप को या थोड़ा सा उसको पुश कर दिया जाए तो वो रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या इसको स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे फिर क्या है, ये जो केमिकल एनर्जी हो रही है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, ये सारी चीज क्या हो, एक केमिकल एनर्जी रिलीज की, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज रिलीज हीट, ये क्या रिलीज करती है, हीट को रिलीज करती है, केमिकल एनर्जी क्या रिलीज कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी के थ्रू हीट आ रहा है, ये जो भी चीजें हैं केमिकल एनर्जी यहाँ फॉर्म हो रही है, इसका हमारे कोई यूज नहीं है, हम लोग इसका कुछ, जो अबव एक्सपेरिमेंट जो दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका हमें कोई यूज नहीं है, कोई हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं हुई, ना इसका कोई मुझे लाभ मिला कि मतलब इसका क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाँ एक चीज और देखना है, यहाँ पे जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी जिसको बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, इज लेस देन जीरो, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पे डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। हाँ अगर इस, लेकिन इसका हमारे कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे, और जो हम लोग लीनियर सेल का एग्जांपल लेंगे और कैसे ये बनता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गैल्वेनिक सेल। हमने आपसे बताया था कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल है। ठीक,
तो इसका मैंने बताया कि आपका जो बेस्ट एग्जांपल क्या था, एक डेनियर सेल, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक, इसको मैं पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। ये प्रोसेस कैसी होती है, लास्ट क्लास में मैंने लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें डेल्टा जी द लेस देन जी, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे रिमोट हो गया, वॉच, रिस्ट सेल हो गई, ये सब चीज़ें होती है, ठीक। यहाँ पे जिंक एंड कॉपर, जो डेनियल सेल बनाया गया है किसका बनाया गया है, जिंक एंड कॉपर का। इसके बाद कुछ एग्जांपल और भी हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, जैसे अदर सेल भी है लाइक से निकिल एंड एजी के भी सेल बन सकते हैं, जैसे वहाँ पे जिंक एंड कॉपर का बनाया गया, ऐसे निकिल एजी का बन सकता है, क्रोमियम एंड पीवी का बन सकता है। लेकिन आप चाहे जो बुक पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या किसी अदर राइटर की बुक हो, हर जगह आपको डेनियल सेल का एग्जाम्पल आपको ही मिलेगा, मोस्टली जो जिंक एंड कॉपर से रिलेटेड होगा। इसके सेल तो बहुत कम आते हैं डायग्राम में रिलेटेड, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ही आप समझिए कि जो निकिल एंड एजी के भी सेल बन सकते हैं, क्रोमियम एंड पीवी के भी बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या आगे देखते हैं हम लोग कि डेनियल सेल एग्जाम्पल आपका गैल्वेनिक, वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे क्या हुआ, इस सेल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर लिया, एक कंटेनर लेफ्ट साइड है, दूसरा कंटेनर राइट साइड है, ठीक। एक में क्या किया, जिंक सल्फेट सोलूशन ले रहे हैं जो एक इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है, किसका वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा, ठीक। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोलूशन है जो भी एक वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, कॉपर सल्फेट सोलूशन एंड जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट सोलूशन है तो इसमें जिंक रॉड ली गई, ये रॉड कौन सी है, जिंक रॉड है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोलूशन है तो यहाँ पे कॉपर रॉड ली गई, ठीक। क्या हुआ, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया गया, इसको जोड़ दिया गया करंट से, यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्या हुई, स्टार्ट हो गई, करंट यहाँ पे पास हुआ तो प्रोसेस स्टार्ट हो गई। जो यहाँ पे जिंक रॉड है ये किसका वर्क कर रहा है, आइजा ये जिंक रॉड किसका कर रहा है, एनोड का, और एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। एंड कॉपर किसका वर्क कर रहा है, एज अ कैथोड का, किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का, और कॉपर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुई, और क्या हुआ, जब यहाँ पे इसका रिएक्शन देखा गया, केमिकल रिएक्शन देखा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिंक है, जिंक, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीड, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, और ये जिंक के आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे किस में आ रहे हैं, इस सोलूशन में आ रहे हैं, जिंक प्लस टू के फॉर्म में, यहाँ से निकल के जिंक प्लस टू के फॉर्म में आ रहे हैं, जिंक प्लस टू के फॉर्म में, ठीक। ये जिंक आयंस के फॉर्म में आ रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम टू डॉट, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो कॉपर है, ये कॉपर आयंस के फॉर्म में है, Cu प्लस टू के फॉर्म में, Cu प्लस टू के फॉर्म में, Cu प्लस टू के फॉर्म में, और ये किस पे जा रहा है, फ्रॉम द रॉड पे जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये रॉड पे जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये प्लस टू के फॉर्म में है, ये रॉड पे जाएगा, क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो किस में चेंज हो गया, एक्वस फॉर्म में, टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस रॉड पे जा रहे हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, यहाँ से एनोड से किधर की जा रहे हैं, कैथोड की, एनोड से किधर जाएंगे, ये लेफ्ट से राइट किधर जाएंगे, कैथोड, क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, इधर कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे धीरे, और ये कॉपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये रिड्यूस हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले कहाँ से मिले,
फ्रॉम द रॉड, फ्रॉम द रॉड, इस रॉड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये क्या गया, रिड्यूस हो गया, और एक्वस फॉर्म में था, आयंस के फॉर्म में, ये फ्रॉम द रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लिया, रिड्यूस हो गया, सॉलिड फॉर्म में बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, जिंक टू प्लस फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, इन टू द रॉड चले गए। ये प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट हो रही, चलती रही। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये लेफ्ट साइड में प्रोसेस हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल, ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ओनली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल। अब ये लेफ्ट साइड हो रही है, किस साइड हो रही है, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हाल्फ सेल, लेफ्ट हाल्फ सेल। अब ये प्रोसेस किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड हाल्फ सेल, एनोड हाल्फ सेल। अब एनोड पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो क्या कह सकते हैं, निगेटिव हाल्फ सेल। आगे आइए, यहां पे क्या प्रोसेस हो रही है, सेम यही प्रोसेस इधर भी है, बट क्या चेंज हो जा रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, यहां पे ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाल्फ सेल, रिडक्शन हाल्फ सेल हो जाएगा। यहां पे क्या था, लेफ्ट हाल्फ सेल, तो दैट इज राइट, तो राइट हाल्फ सेल, राइट हाल्फ सेल, ठीक। यहां पे क्या था, एनोड हाल्फ सेल, तो यहां पे क्या है हमारा, ये रॉड कैथोड है, क्या है, कैथोड, तो कैथोड हाल्फ सेल, फिर क्या है, ये निगेटिव हाल्फ सेल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, कैथोड, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव हाल्फ सेल, पॉजिटिव हाल्फ सेल, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रॉड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये सोलूशन है, सोलूशन, ये सोलूशन में क्या है, जिंक प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो सोलूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इन सोलूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, जो सोलूशन में पॉजिटिव चार्ज है, जिंक प्लस टू है, जिंक प्लस टू, ये सब क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज सोलूशन, फिर क्या होगा, सेम यही कंडीशन क्या यहां पे होगी, लेफ्ट राइट साइड वाले में क्या होगा, जैसे कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा है। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है, क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट Cu प्लस टू एंड SO4 माइनस टू के फॉर्म में होता है। अगर कंटिन्यू कॉपर रिड्यूस होता जाएगा तो बचेगा कौन, यहाँ पे बच क्या रहा है, SO4 माइनस टू, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन इंक्रीजेज, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कुछ समय के बाद में, क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन इंक्रीजेज एंड निगेटिव चार्ज इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ना ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा, ना इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट होके आएगी, जिससे क्या होगी कि ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। जब ये रिएक्शन स्टॉप होगी
तो एक यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होके आ गई कि रिएक्शन स्टॉप हुई, तो अब इस रिएक्शन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम का सलूशन आया उसको बोलते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे? साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी टॉपिक से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। आगे देखिए साल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक, तो हमने आपसे क्या बताया कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि लेफ्ट हाल्फ सेल, जो हमारी लेफ्ट हाल्फ सेल है, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट हाल्फ सेल पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन, जो पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको जो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्रिवेंट इन आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकता है। क्या बोलेंगे? इन सोल्यूशन प्रिवेंट इन आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्या था, राइट हाल्फ सेल निगेटिव चार्ज इन सोल्यूशन प्रिवेंट इन इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, जो राइट साइड का है, इसमें मैंने क्या बताया था कि निगेटिव चार्ज जो होता है सोल्यूशन में इंक्रीज कर जाता है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता, आने नहीं देता, प्रिवेंट करता है, यहाँ पे रिपल कर जाते हैं। ठीक, तो ये दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिससे क्या हुआ, रिएक्शन स्टॉप कर गई। तो हमने क्या बताया था कि रिएक्शन जब स्टॉप हो जाती है तो इस रिएक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सोल्यूशन ढूंढा गया। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे? साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास इलेक्ट्रोलाइट इनर। यहाँ पे क्या है, एक ये कुछ ऐसे बनेगा, ये होता है, ठीक है, इस तरह से ये होता है साल्ट ब्रिज। ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। ठीक, साल्ट ब्रिज ये ग्लास का होता है, इन्वर्टेड होता है। इस साल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, कुछ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं, जैसे लिखा है केसीएल, K2SO4, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अगार पाउडर इन सेमी लिक्विड सब्सटेंस, ये भी एक पाउडर है, ठीक, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करता है, तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे KCl है, K2SO4 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे क्या है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, साल्ट ब्रिज में करते हैं। जैसे क्या किया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया KCl, क्या ले लिया, KCl ले लिया। ठीक, अब क्या हुआ, इस साल्ट ब्रिज को हमने यहाँ पे उठा के रिकनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, जैसे साल्ट ब्रिज लिया और इसको उठा के यहाँ पे, ठीक, ये हमारा क्या है, दैट साल्ट ब्रिज है। और इसमें क्या लिया, KCl ले लिया, KCl पोटेशियम क्लोराइड है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। अब KCl क्या होगा, आयंस के फॉर्म में ये डिसोसिएट हो, KCl है, ये क्या होगा, आयंस के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे K+ एंड Cl- माइनस डिसोसिएट होगा। ठीक, अब देखेंगे हम किस साइड में सोल्यूशन नेगेटिव है, किस साइड में सोल्यूशन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन पॉजिटिव है, तो ये जो Cl- माइनस है, ये KCl है, ठीक, तो KCl ब्रेक होगा, तो ये Cl- यहाँ पे आएंगे धीरे धीरे आएंगे इसमें, और यहाँ पे K+ यहाँ पे आएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट से। क्या होगा,
ये आयंस मूव करेंगे इसमें कंटिन्यू, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं यहाँ पे कंटिन्यू मूव करेंगे और निगेटिव आयंस भी धीरे धीरे क्या करेंगे मूव करेंगे। तो जैसे जैसे ये आयंस आएंगे निगेटिव आयंस, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिव आयंस क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव आयंस इधर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाता है तो जब पॉजिटिव आयंस आएंगे तो धीरे धीरे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये भी क्या होगा डिक्रीज करेगा और ये भी न्यूट्रलाइज होकर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है यहाँ पे वर्क करता है, जो इसके अंदर फिल करते हैं, ठीक। तो इसका क्या है जो मेन फंक्शन है, फंक्शन आप शॉर्ट ब्रिज हम लोग देखेंगे क्या होता है कि फंक्शन आप शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, ठीक। तो फर्स्ट क्या है शॉर्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाल्फ सेल, क्या करता है कि जो दोनों हाल्फ सेल होती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है मेंटेन करता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू हाल्फ सेल, मतलब जो हमारे हाल्फ सेल होते हैं इनकी इलेक्ट्रोलिटी को क्या करता है मेंटेन करता है ऑफ हाल्फ सेल इलेक्ट्रिक, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू ऑफ हाल्फ सेल, हाफ हाल्फ सेल। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कंप्लीट द सर्किट बाय फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इससे क्या होता है इसकी एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसके दो मेन फंक्शन है। अच्छा साल्ट ब्रिज में क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोड है कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया साल्ट ब्रिज में, तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, तो जिसको हम लोग इसमें साल्ट ब्रिज की कुछ कंडीशन है किस कंडीशन पे हम साल्ट ब्रिज में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो अब हम लोग जो है आगे इसकी कुछ कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की जो हम लोग साल्ट ब्रिज में लेंगे, क्या है कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज इन साल्ट ब्रिज। सबसे पहले क्या है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे यहाँ पे KCl लिया हमने, क्या लिया KCl, तो डू नॉट रिएक्ट विथ एनी आयंस, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी आयंस आर रॉड, मतलब यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स में, कहने की मीनिंग ये है कि जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में और ये जो रॉड प्रेजेंट है वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोड का, ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऑफ हाल्फ सेल। इन केस अगर ये रिएक्ट कर जाए तो कैसा होना चाहिए सॉल्युबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सॉल्युबल। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिया Cl- है, क्या है Cl, अब यहाँ पे KCl हमने लिया था तो ये क्या किया, जैसे जिंक है जिंक 2 प्लस फॉर्म में है और यहाँ पे Cl- फॉर्म, ये रिएक्ट कर गया ZnCl2 बना लिया, क्या बना है ZnCl2 साल्ट बना लिया। अब क्या हो ये जिंक क्लोराइड फिर से क्या हुआ, क्योंकि तो ये सॉल्युबल है, क्या है सॉल्युबल है, तो ये फिर से Zn+2 एंड Cl- में डिसोसिएट हो गया। तो ये ध्यान रखना है ये कंडीशन है, अब ये रिएक्ट तो किया केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन तो किया बट क्या है ये तुरंत सॉल्युबल, क्या ऐसा है हमने कहा इट इज सॉल्युबल, सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उसकी, वो सॉल्युबल हो जाए फिर से डिसोसिएट हो गया जिंक प्लस टू एंड क्लोराइड, ये कंडीशन होती है ध्यान देना होता है साल्ट ब्रिज में क्या हम लोग लें। नेक्स्ट इफ Ag इलेक्ट्रोड, ध्यान देना यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड Ag है, Ag इलेक्ट्रोड देन यू कैन नॉट यूज KCl,
अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड एजी का लिया होता, पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, अगर यहाँ पे क्या होता, इलेक्ट्रोड हमने एजी का लिया होता तो हम केसीएल नहीं ले सकते थे शॉर्ट ब्रिज में। क्यों? रीजन क्या है? जैसे एजी है ये सिल्वर, एजी रिएक्ट विद सीएल टू फॉर्म एजीसीएल, एजीसीएल और एजीसीएल, एजीसीएल क्या होता है, एजीसीएल दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ये क्या बनाएगा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। अब व्हाइट पीपीटी क्या होता है, दैट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्युबल होगा नहीं, ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। जब ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन ये हो गया। थर्ड में क्या है, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जो हमने KCl यहाँ पे लिया तो यहाँ पे जो आयंस K Cl- और K+ प्रेजेंट है, तो ये आयंस दोनों क्या है, ये आयंस से कैटायन एंड एलायंस, तो इनकी क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड आयनिक मोबिलिटी एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एलायंस। इक्वल मोबिलिटी मतलब जितने यहाँ पे Cl आए उतने ही प्लस जाए पॉजिटिव, ये नहीं कि यहाँ पे 5 मोल Cl आ जाए और यहाँ पे 10 मोल चले जाए K+, तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। जब न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर 5 मोल Cl के आ रहे हैं तो 5 मोल किसके जाने चाहिए, K+ के भी जाने चाहिए, तभी इक्वल मोबिलिटी होगी, ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, बोथ हाल्फ सेल न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली, दोनों सेल, ये हाल्फ सेल और ये हाल्फ सेल, दोनों हाल्फ सेल, ये हाल्फ सेल है आपकी और एक हाल्फ सेल ये, ठीक। तो ये दोनों हाल्फ सेल कैसा होना चाहिए, एक साथ न्यूट्रलाइज होना चाहिए, बोथ हाल्फ सेल न्यूट्रलाइज, नहीं ये नहीं कि यहाँ पे आयंस ज्यादा आ गए तो ये क्या हुआ, जल्दी न्यूट्रलाइज हो गया, और ये न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसे होगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो साल्ट ब्रिज की होती है, बोर्ड के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसके हैं, साल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है, कंडीशन क्या होती है, डिफाइन द साल्ट ब्रिज क्या होता है, फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको ध्यान से और बता दें, ये थोड़ा सा भूल गए थे हम, यहाँ पे अगर आपको ये ध्यान देना हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो अगर इसे आपको याद करना हो तो एक चीज़ ध्यान देंगे आपको, हम बताएंगे यहाँ पे एक वर्ड हम बता रहे हैं आपको, लोन, एक वर्ड दे रहे हैं लोन, लोन वर्ड की मीनिंग क्या है, यल फॉर, यल स्टैंड फॉर लेफ्ट, यल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ए एनोड और एन निगेटिव, ये आपको लोन वर्ड याद रखना है। एक ये की है कि लेफ्ट, यल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड हमारा है, ओ फार क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एन फार क्या है, निगेटिव होता है, और ए क्या है, एनोड है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक इसी में चलेगा आज के लेक्चर में, जो हम ये जो सेल बनी है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद में इसी सेल का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे अब ये सेल हमारी हाल्फ सेल इधर है, राइट सेल इधर है, एक लेफ्ट सेल एक राइट सेल, हाल्फ सेल इधर हाल्फ सेल इधर, तो सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे इधर इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमें, तो क्या लिखेंगे, यम सॉलिड फॉर्म में रहता है, और प्लस क्या हो जाएगा, एम एन प्लस के फॉर्म में जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, राइट साइड में जैसे एम एम प्लस फॉर्म में रहता है, और क्या हो यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, रिडक्स हो जाता है। अब इसी को जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हमने जिंक लिया था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जिंक जैसे जेड एन है, ये जिंक जेड एन सॉलिड फॉर्म में था, प्लस क्या हो जाएगा, जेड एन आयंस के फॉर्म में, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में लेना होगा,
ठीक। दूसरा क्या हमारा यहाँ पे कॉपर था, क्या है कॉपर Cu+2 फॉर्म में था एक्वस में स्लेस, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, क्या है लेफ्ट लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ शेल एट एनोड, ये किस पे हो रहा है, ये एनोड। इसको क्या देखेंगे हम लोग, राइट रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन राइट रिडक्शन हाफ सेल एट कैथोड, एट कैथोड। फिर क्या करेंगे, ये हमारी लेफ्ट सेल राइट सेल, और इसको दोनों को हमें जोड़ना किससे है, यहां पे क्या लगा था साल्ट ब्रिज, तो ये हमारा हो जाएगा एक साल्ट ब्रिज, जो किसका वर्क करता है, ये साल्ट ब्रिज। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी आता है। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से क्या लिखेंगे हम लोग, सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेल रिएक्शन। अब ये दो सेल है हमारे पास, एक सेल हमने दिया जिंक का और कॉपर का है, दूसरा हमारे पास निकिल एंड एजी का है, जो सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी का हमको क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखना। ठीक है, कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं इसका देखते, ध्यान दीजिए, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड की रिएक्शन लिखते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है, इसे जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, तो जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, Zn2+ फॉर्म में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ले लीजिए। ठीक, दूसरा क्या कंडीशन है हमारा, कॉपर प्लस टू राइट साइड में Cu+2 एक्वस फॉर्म में है। ठीक, ये हो गया कॉपर, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा, ये हमारा जिंक हो गया Zn2+2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस होते हैं तो ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कैंसिल, इसमें सेल रिएक्शन में, जो सेल रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस साइड में, इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे Zn सॉलिड फॉर्म में प्लस Cu+2 एक्वस फॉर्म में हो गया, गिव्स Zn+2 एंड प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म। ठीक, एक्वस, ये हमारा जो कंप्लीट सेल रिएक्शन बनी, जिसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब लास्ट है, अब इस टॉपिक का लास्ट होगा सेकंड इक्वेशन, दैट इज निकिल, यहाँ पे क्या है इसे निकिल, तो निकिल सॉलिड फॉर्म में है, निकिल यहाँ पे चला गया प्लस टू के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज। ठीक, नेक्स्ट क्या है Ag+1 फॉर्म में है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, चला गया Ag यहाँ पे सॉरी। ठीक, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हाफ सेल। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बताई गई थी कि दैट इज जो सेल रिएक्शन है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कैंसिल, दैट इज यहाँ पे क्या है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने, 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होंगे ये बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 बन जा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा,
तो ये बैलेंस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स टू और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैंसिल, बचा के आपके पास निकिल सॉलिड फॉर्म में प्लस टू ए जी प्लस गिब्स, ठीक है, निकिल प्लस टू प्लस टू ए जी सॉरी, तो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन निकिल एंड ए जी का, ठीक है। अब आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसमें आज हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती कैसे है। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन जो हुआ स्टॉप हो गया, तो उसके लिए क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आई, जिस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। इसके बाद साल्ट ब्रिज की फंक्शन क्या है वो पढ़ा, साल्ट ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, फिर इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, फिर इस सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम लोग सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के। थैंक यू क्लास।